थ्री वेज टू गेट किलर एब्स, द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। पॉइंट नंबर वन, आपके एब्डोमिनल्स की ट्रेनिंग ये साइंटिफिकली करेक्ट होनी चाहिए। साइंटिफिकली करेक्ट का मतलब क्या? सबसे पहले जो मेन मसल्स यहाँ पर है वो है रेक्टस एब्डोमिनस और ओब्लिक्स, तो इनकी ट्रेनिंग 6 रेप मैक्स की करिए। ओके, बहुत लोगों को लगता है कि एब्डोमिनल ट्रेनिंग 100 रेपिटेशन जाए, अगर आप 100 रेपिटेशन करोगे तो आप मसल को चैलेंज नहीं दे रहे हो, उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, और बेवजह के जो वर्कआउट है उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। पॉइंट नंबर टू, आपने सुना होगा कि एब्स आर मेड इन द किचन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप अपने न्यूट्रिशन में क्या खाते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके एब्स जो है वो दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते। प्लीज अंडरस्टैंड, आप कितनी भी वर्कआउट कर लो लेकिन न्यूट्रिशन प्लेज 70% रोल। अगर आपके डाइट में आप बार बार शुगरी प्रोडक्ट्स, हाई सॉल्ट प्रोडक्ट, ट्रांस फैट, ऐसी चीजें अगर आप खाओगे तो आपके एब्स कभी नहीं नजर आएंगे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ना बहुत जरूरी है। आपका मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ेगा तो आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए मसल मास बढ़ाइए, जितना मसल मास बढ़ाओगे उतनी आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। तो ये मत सोचिए कि खाली एब्डोमिनल ट्रेनिंग करने से आपके एब्स नजर आएंगे। बड़े बड़े स्ट्रक्चरल मूवमेंट जो होते हैं जैसे स्क्वाट्स है, डेडलिफ्ट है, ये भी करिए। बड़े मसल्स को टारगेट करिए, मसल मास को इंक्रीज करिए। कार्डियो करना है तो करिए, उसको कॉम्बिनेशन में करिए। बट एक बात याद रखिए, मैक्सिमम कैलोरीज आप तब बर्न करते हो जब आपका मसल मास बढ़ता है। अगर और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मुझे फॉलो करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, सेव करिए और लाइक करिए।